पैरिस ओलम्पिक्स के डेट एंड से इंडिया की तरफ से कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं जी अगर कल मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि हमारे बैडमिंटन प्लेयर लक्षा सेन का कल हिस्टोरिक मैच था ब्रॉन्ज मेडल का बट अनफॉर्चुनेटली वो ये मैच हार गए लेकिन लक्षा सेन इज द फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर जो यहाँ तक मेन सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचे हैं एट ओलंपिक एंडियान उनके कोच है प्रकाश पार्कुको वो इस परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड उन्होंने कहा इट्स हाई टाइम की प्लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले गवर्नमेंट और फेडरेशन काफी कुछ कर रही है उनके लिए एंड मैं और विमल जो की और कोचिंग स्टाफ ही है हम बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रिजल्ट से अफकोर्स कोचेस तो डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि वो फोर्थ है एंड इस ओलंपिक्स में इंडिया काफी फोर्थ आए सब लोग थोड़े थोड़े से चुके हैं जैसे मनु भागर फोर्थ देन अर्जुन बबूता भी फोर्थ आए थे अंकिता भी फोर्थ आएन जीत लक्ष्य सेन भी कल फोर्थ है वो क्वालिफाई कर फर्स्ट इंडियन मैन टू डू दिस वो इंडिया को मेडल दिला पाए कमिंग टू रेसलिंग इसमें काफी शॉकिंग चीज देखने को मिला निशा कल काफी अच्छा खेल रही थी उनका रेसलिंग में क्वार्टर फाइनल बाउट था कल वो ये गेम नॉर्थ कोरिया के प्लेयर से हारे फ्री स्टाइल कैटेगरी उनका स्कोर एट था विद जस्ट ओवर नाइन्टी लेकिन उसके बाद उन्हें सीरियस इंजरी हो गई उनके राइट हैंड में, जिसके से उन्हें काफी पेन हुआ द इंजरीडॉर्मेंस जिसकी मिली इसम बट निशा ने इंजरी के बावजूद बहुत अच्छा किया तक, back, लेकिन वो के साथ नहीं जीत पाई दैन हमारी मैच था जिससे वो लोग जीत लियर फाइनल एट दैरिस ओलम्पिक एंड क्या आप लोगों को बताया था इसीडियो में इंडियन मैन हॉकी टीम सेमीफाइनल जा चुकी है एंड क्या इस बार हमारे गोल्ड जीतने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि टोको ओलिम्पिक्स गोल्ड मेडलिस्ट थे बेल्जियम वो इस बार ओलम्पिक से एलिमिनेट हो चुके हैं देन ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया एंड वो भी ओलम्पिक से एलिमिनेट हो चुके हैं इंडिया जो कि थे ओलंपिक्स के मेडलिस्ट दे आर दी सेमी तो हमसे जो दो लोग आगे थे वो तो बाहर निकल चुके हैं तो क्या इस बार हमारे जीतने का चांसेस ज्यादा है आपको क्या लगता है गाई? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना